तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम एक टेक्सटाइल शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, ग्लोबल लीडर इन होम टेक्सटाइल। ये होम टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती है कंपनी दोस्तों, और देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी वेबसाइट उन्होंने सजा के रखी है अपनी। अभी हम देखते हैं ये फार्म टू शेल्फ, ये डायरेक्ट फार्मर से उठाते हैं रॉ मटेरियल, और 30+ पेटेंट्स हैं इनके पास, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। और होम टेक्सटाइल में काम करती है ये, सप्लायर टू द यूएसए बाय होम टेक्सटाइल टुडे। ये यूएसए में काम करती है, यूएसए में भी कंपनी है और इंडिया में भी और यूएसए में भी। ये वेल ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेसेबिलिटी कंपनी है, 50+ कंट्री में ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और इनका रीच है 50+ कंट्रीज में। और जीरो फ्रेश वाटर यूज्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये फ्रेश वाटर जीरो यूज करते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। वेविंग सस्टेनेबिलिटी एंड रिवोल्यूशनरी कंपनी है ये। अभी हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, 1 बिलियन ग्लोबल लीडर इन होम टेक्सटाइल, इनके पास ग्लोबल लीडर है 1 बिलियन। फोर्थ एंड सेवन्थ टॉवेल एंड शीट रेस्पेक्टिवली सोल्ड इन द यूएसए मेड बाय वेल्सपून। ये फोर्थ और सेवन्थ नंबर पे अपनी कंपनी होल्ड कर रही है इन द यूएसए। और वेल्सपून कंपनी 41% रेवेन्यू फ्रॉम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ये अपना 41% रेवेन्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से जनरेट करते हैं हर साल। 30 मिलियन लीटर वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी पर डे, 25% वुमन, और इस कंपनी में 25% वुमन काम करती है, और 20,000+ वर्क फोर्स है इनके पास। और वेल्सपून इंडिया लिमिटेड इज एशियाज लार्जेस्ट अमोंगेस्ट टॉप 4 टेरी टॉयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये टॉवेल में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है दोस्तों अभी। हाँ, हमें पता ही है पेज इंडस्ट्री इस केस में काम करती है, इनर वियर में काम करती है, और कितना शेयर प्राइस है उस शेयर का देख सकते हो आप। और अभी ये कंपनी टॉवेल में काम करती है। द प्रोडक्ट रेंज ऑफ द कंपनी इंक्लूड बाथ एम्ब्रॉयडर्ड टॉवेल्स, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रिप्स, बाथ ट्रोड, बेड लिनन, रग टॉवेल, ये अलग अलग इनकी टॉवेल में प्रोडक्ट्स है। वेल्सपून इंडिया एक टेक्सटाइल कंपनी है, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, और लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट टॉवेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये मोर देन 94% एक्सपोर्ट करते हैं, और ये होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट में 50+ कंट्री में काम करते हैं। अभी हम आते कंपनी के शेयर प्राइस पे, आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में 40% डाउन चल रहा है दोस्तों, 160 से ये 96 पे आ चुका है, और पिछले एक साल में इसने 23% की रिटर्न दे दी है अपने शेयर होल्डर को। देख सकते हो ये 160 से अच्छा खासा गिर चुका है, इस वजह से हमें रिटर्न नहीं दिख रहे। इसने जहाँ से रैली स्टार्ट की थी वहीं पर आके रुका है, आप देख सकते हो जून 2021 में इसने रैली स्टार्ट की थी, 93 रुपीज़ पे था, वहाँ से ये 160-170 को टच करके वहाँ से जो नीचे आ रहा है अभी 96 पे आके रुका है ये शेयर। और लॉन्ग टर्म में देखिए इसने अभी तक 700% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। ये 100 इसका अभी 100 के नीचे आ चुका है, और अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगे तब इसको खरीद सकते हैं हम, अभी अदरवाइज ये अभी डिक्लाइन में चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है शेयर, अभी कहाँ तक गिरेगा बता नहीं सकते। और देखिए वेल्सपून इंडिया इसका टारगेट दे रहे शेयर खान 130 रुपीज़ का। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,495 करोड़। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है, इसका फेस वैल्यू एक स्प्लिट की कोई गुंजाइश नहीं है, फ्यूचर में बोनस दे सकता है। 52 वीक लो है 64 रुपीज़, और 52 वीक हाई है 170 रुपीज़। ये 52 वीक लो को भी टच कर सकता है अभी, तो इसमें जल्दी जल्दबाजी मत करिए इन्वेस्ट करने, या आप इस पर नज़र रखिए और वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। कंटिन्यूसली इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक कर सकते हो अगर ये शेयर चढ़ता नहीं है तो, और छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहिए ऐसे शेयर की अपने पोर्टफोलियो में। अभी हमारे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास है 70%, FIIs के पास है 9%, DIIs के पास है 5%, और पब्लिक है 15.68%। तो शेयर स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। अभी हमारे कंपनी के रेवेन्यू पे आप देख सकते हैं कंपनी टॉवल बेच के एनुअली 7,340 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने 2021 में इन्होंने, अभी देख सकते हो 7,340 करोड़। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 500 करोड़ के आसपास कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और अभी 2021 में 550 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। कोई प्रोडक्ट छोटा नहीं होता दोस्तों, बस कंपनी को बेचना आना चाहिए और प्रोडक्ट की ब्रांड बनानी चाहिए, तो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है और नेट प्रॉफिट सब जनरेट हो ही जाता है। ये कंपनी टॉवल बेच के 500 करोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है ईयरली। अभी हम आते कंपनी के रिजर्व्स पे, कंपनी के रिजर्व्स देखिए तगड़े रिजर्व्स है कंपनी के पास, और कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रही है रिजर्व्स। अब देखिए 17 में 2,200 करोड़ का रेवेन्यू, 18 में 2,500 करोड़ का, 19 में 2,600, 20 में 2,800, और अभी मार्च 2021 में 3,544 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। ये रिजर्व कंपनी एक्सपांड करने में यूज़ कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, बोनस दे सकती है, शेयर बायबैक कर सकती है, जैसे चाहिए अपने रिजर्व का ये यूज़ कर सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप आधा मार्केट कैपिटलाइजेशन इनके पास रिजर्व है, आप देख सकते हो 50% 60% इनके पास वैसे भी है, और 40% खरीद सकते हैं ये कंपनी को और फिर से। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, बहुत छोटा सा डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर को, देख सकते हैं 0.65, 0.65, 0.3, 1 रुपया, 0.15 अभी, और फेस वैल्यू 1 है इसका। और इसके
आप देख सकते हो कॉम्पिटिटर, मैंने पेज इंडस्ट्रीज पहले ही बताया, इसका शेयर प्राइस देखिए दोस्तों 44,817 रुपीज़ पे चल रहा है। 50,000 को टच किया था पेज इंडस्ट्रीज ने, और कोविड में ये 20,000 तक आ चुका था। और इसका और एक कॉम्पिटिटर देखिए ट्राइडेंट, ये पेनी स्टॉक था, अभी अच्छा खासा रनअप ले चुका है। केपीआर मिल, आलोक इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री को तो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है, मगर ये भाग नहीं रहा है दोस्तों। ये सर अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है इनकी, सभी अच्छे कॉम्पिटिटर है आप देख सकते हो, और सभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे ज़्यादा ही है, और ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के दे सकती है। आप इस पर नज़र रखो और इस वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, ये 52 वीक लो को भी टच कर सकता है, वॉच लिस्ट में रखिए। और ये जैसे ही शेयर थोड़ा सा ऊपर जाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इन्वेस्ट ही करना है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और डिप मिलेगा तो और ऐड कर लेना, ऐसे ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है, ये भी ये शेयर आपको वेल्थ बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।